सोचा कि आज बताया जाए कि शादी क्या है, शादी को लोग किस किस तरह से देखते हैं। जैसे खुदा ने अपनी कुदरत का अजीब नक्शा बनाया है, कहीं पैदा किया दुल्हन, कहीं दूल्हा बनाया है। ये जोड़ी अर्श आजम से मुकर्रर होके आई है, खुदा ने अपनी कुदरत से इन दोनों को बनाया है। हमने लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि शादी का मतलब अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या, ये भी कि तेरे जैसे कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं, और ऐसा भी कि आप रहने दीजिए से लेकर आप तो रहने ही दीजिए, और ये भी कि आप बहुत नसीब से मिले हैं से लेकर मेरा तो नसीब ही फूट गया। अब कुछ आगे चलते हैं। एक लड़की ने कुछ ऐसे बताया कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है, लड़का डॉक्टर है, बिना तस्वीर देखे बिना पूछे घर वालों ने करी जो शादी की रजामंदी। लड़की से ना पूछने की ये रिवायत हमारे खानदान में हमेशा से चली आ रही थी। मैं कुछ उदास ही बैठी थी कि मेरे पास एक टैक्स आया कुछ ऐसे कि हेलो डियर, मैं ही वो इंजीनियर हूँ जिससे आपकी शादी फिक्स हुई है। मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि मैं दिखने में एकदम अजीब सा और रंगत में तो एकदम काला सा हूँ, आपको नहीं समझ आऊँगा। हमने रिप्लाई में लिख दिया कि हम भी यही बताना चाहते थे कि हम भी ऐसे ही दिखते हैं और हम तो कितनी बार फेल तक हो चुके हैं। तो उनका फिर टैक्स आया कि डियर, फेल होने से कोई हर्ज नहीं, मुझे लेकिन आपको एक और बात बतानी थी कि मैं एक लड़की को पसंद करता था लेकिन वो मुझे मेरी बुरी आदतों की वजह से छोड़ गई। तो हमने रिप्लाई दिया कि हमें भी एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी, हम तो बहुत चाहने लगे थे पर घर वालों की वजह से उसकी शादी कहीं और हो गई। फिर उसका टैक्स आया कि आपकी ईमानदारी की वजह से मुझे आप हर हाल में कबूल हो जैसी भी दिखती हो, पर हमने जब भी ये लिख दिया कि मेरी दोस्त हमसे ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, आप उससे कर लो, पर उसका फिर टैक्स आया कि तुम्हारी सच्चाई मुझे पसंद आई है और अब मुझे ये घर वालों की अरेंज मैरिज से मोहब्बत हो गई है, शादी मेरी तुमसे ही होगी, अब हम क्या करते हैं, बस हम तो चुप ही रहे। फिर उनका एक और टैक्स आया, उसमें एक तस्वीर आई जिसमें हमारी और उनकी तस्वीर थी, और वो तो बिल्कुल हमारे सपनों के शहजादे जैसे ही तो दिखते थे। अब कुछ इस तरह भी दिखते हैं कि वो कहता था कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुमको देखकर मेरे दिल में तमन्नाओं का हुजूम सा उठता है, तुम्हारे बिन जीना दुश्वार है क्योंकि मुझे बस तुमसे प्यार है। अब वो ऐसे कहता है कि तुम में तो इतनी खामियां थी और एक वो है जिससे मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी जान है वो, उसकी तारीफ ऐसे करूँगा कि जैसे कि किसी शायर का ख्वाब, जैसे कि सर्दी की धूप, जैसे कि खुशबू लिए आए ठंडी हवा, जैसे कि खिलता गुलाब। फिर हमने कहा कि तुमने तो आज हद ही कर दी, किसी और की आंखों में डूबकर मेरी तमन्नाओं का जनाजा ही उठा दिया। अब कुछ ऐसे कहेंगे कि शादी वो अमल है जिसमें दो लोग मिलकर इस तरह रहते हैं कि एक दूसरे को रहने नहीं देते, और ये भी कि समंदर के किनारे आबादी नहीं होती, जहां प्यार हो जाए वहां शादी नहीं होती।